कश्मीरी माइग्रेंट आंगनबाड़ी वर्करों की ग्रुप ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। माइग्रेंट आंगनबाड़ी वर्करों की एजाजियों को जारी करने में मदाखलत करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से उन्होंने दरख्वास्त की है। इन एहतजाजी मुजाहरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू खित्ते के आंगनबाड़ी मराकज़ पर उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, लेकिन गुज़श्ता 4 सालों से उनकी तनख्वाह अदा नहीं की गई है। हालांकि हुकूमत हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्रामों को चलाने में और टीकाकारी मुहिमात में भी इन मुलाजमीन की खिदमात हासिल कर रही है। मुजाहरा कर रहे इन माइग्रेंट आंगनबाड़ी वर्करों के मुताबिक हुकूमत को इनके मामले में कोई फैसला लेना चाहिए ताकि वो हर जगह मारे मारे फिरने से बच जाए। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम के बावजूद उन्हें एजाजिया देने से इनकार किया गया है, जो कतई ठीक नहीं। ड्यूटी भी देते हैं और ये हैरानगी की बात है, अब हम रिटायर भी किया इन लड़कियों को, रिटायरमेंट ऑर्डर भी हमारे को दिया, मगर हम ये कहते हैं आपके नियम के, ये चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं इनको हम कितनी बार मिले, ये कहते हैं नियम के अनुसार आप हैं नहीं किसी वजूद में, ये कैसे हो सकता है। इतने साल 2008 से हमने ड्यूटी दी, मगर ये कहते हैं अब आप किसी वजूद में ही नहीं हैं, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम इनकी मांग, ये आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इसके लिए इन ये तहकीकात करें और हमें ऑनरेरियम रिलीज करें, क्योंकि हमारी बहुत सारी लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, वो इसी पे हैं। द्रास के आजमीन हज के लिए टीकाकारी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था। द्रास सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ये इंतजाम किया गया। महकमे सेहत की तरफ से यहाँ वैक्सीनेशन और रिफ्रेशमेंट के अलावा दीगर किस्म का बंदोबस्त कराया गया था। लद्दाख से तमाम दरख्वास्त गुजारों को मुकद्दस सफर का मौका दिया जा रहा है। कुरा के बगैर 400 आजमीन को हज के लिए जाने की इजाज़त दी गई है। करगिल के दूसरे इलाकों में भी आजमीन की टीकाकारी हो रही है। करंट हमने 22 हाजीज का हो गया है मेडिकल चेकअप, और साथ साथ में अगर जिनका वैक्सीन पेंडिंग है हम वो भी उनका साथ साथ में कर रहे हैं। तो आज हमारा टारगेट 32 का है, कल हमारा लास्ट होगा। तो अभी तक हमने देखे जिन हाजियों का हम उससे पहले हमने इनको एडवाइस भी किया था जो जो इनको लेके जाना है या क्या इनको मेडिकली जो मेडिसिन या इनके लिए जो एडवाइस किए हुए हैं वो उनको लेना है, और इनकेस अगर इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट नंबर भी इनको दिया हुआ है, या वहाँ पे भी हेल्थ कार्ड हमने इसीलिए ये प्रोवाइड किया है कि इनकेस अगर वहाँ पे भी खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हुई तो हमने हेल्थ कार्ड पे सब कुछ इनका नोट किया हुआ है हर हाजीज का। सेहत और तिब्बी तालीम शोबे के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने आज जिला उधमपुर का दौरा किया। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के कामों का जायजा लिया और बड़े ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों का मौके पर मुआयना किया। डीसी उधमपुर, जीएमसी उधमपुर के प्रिंसिपल, चीफ मेडिकल अफसर, एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। भूपेंद्र कुमार ने एग्जीक्यूटिव एजेंसियों पर जोर दिया कि वो जंगी बुनियादों पर तमाम प्रोजेक्टों के कामों में तेज़ी लाएं ताकि मुकर्रर वक्त में ये अच्छी तरह से मुकम्मल किए जा सकें। इस ज़मन में अनथक मेहनत की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ ने यह भी हिदायत दी कि तमाम स्टेक होल्डर फाल राबताकारी के जरिए मंसूबों की पेशरफ्त में रुकावट बनने वाले तमाम मसाइल को वक्त रहते दूर करें। जायजा लिया और अब यहाँ पे आए हैं हम, जो हमारी एक मेकशिफ्ट की बेटिक तैयार की जा रही है ताकि हम पहला बैच है जो यहाँ, जिसके लिए हमें परमिशन भी मिली गई है परमिशन से, उन बच्चों को यहाँ पे एडमिट करें। हायर सेकेंडरी स्कूल शरगोल में जोनल सतह की साइंस नुमाइश का इनकाद किया गया। नुमाइश में तकरीबन 10 स्कूलों ने हिस्सा लिया। तलबा ने मुख्तलिफ उनवानात जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह पर मॉडल तैयार किए थे। नुमाइश में तस्तीन डोलकर, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ करगिल, असिस्टेंट प्रोफेसर नियाज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के, असिस्टेंट प्रोफेसर मुमताज और ज्यूरी मेंबर कम गेस्ट ऑफ ऑनर और हायर सेकेंडरी स्कूल शारगोल के प्रिंसिपल मौजूद रहे। मुतल्लिका प्रोफेसर की ने तलबा के एतमाद को बढ़ाया और उनके शानदार आइडियाज़ और प्रोजेक्ट की सताइश की। उन्होंने तालिब इल्म से दुनिया में रुनमा होने वाले मसाइल और हमारे माहौल के तहफ्फुज़ में अपने किरदार से आगाह रहने की अपील की। इस कंपटीशन में गवर्नमेंट हाई स्कूल सकम्बू ने पहली पोजीशन हासिल की। लद्दाख के बरसू ब्लॉक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सिलसिले में इकदाम जारी हैं। यहां इस जमन में लोगों के रवैये को तब्दील करने के लिए एक खसूसी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था।
स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत ठोस कचरे को सही ठिकाने लगाने की अहमियत के बारे में लोगों को बेदार किया गया। पंचायत घर बरसू में ये सेशन रखा गया था। कल रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट ने जेर एहतमाम ये पहल की गई और बरसू के अलावा दीगर देही इलाकों के मकीनों में कूड़ेदान तकसीम किए गए। दूसरे इलाकों में भी ऐसे सेशन रखने का ऐलान किया गया। BDO बरसू असगर अली, जिला कोऑर्डिनेटर मोहम्मद तोहा कादिर, सरपंच बरसू मोहम्मद इब्राहिम, पंचायत सेक्रेटरी बरसू नामग्याल वांचुअल और गांव वालों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की।